हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम ओम शन्नो मित्र संवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे श्लोक नंबर 80 आस्ताम शास्त्रस्य सिद्धान्तः आस्ताम शास्त्रस्य सिद्धान्तः युक्त्या वाक्यात् परोक्षदीः युक्त्या वाक्यात् परोक्षदीः स्वर्गादिवाक्यवन्नैवम् स्वर्गादिवाक्यवन्नैवम् दशमे व्यभिचारतः दशमे व्यभिचारतः इकसि स्वतो परोक्ष जीवस्य स्वतो परोक्ष जीवस्य ब्रह्मत्वमभिवांछतः ब्रह्मत्वमभिवांछतः नश्यत् सिद्ध अपरोक्षत्वं नश्यत् सिद्धापरोक्षत्वं इति युक्तिर्महत् अहो इति युक्तिर्महत्यहो
अभी विषय चल रहा है परोक्ष से अपरोक्ष ज्ञान। तो विद्यारण्य मुनि बहुत सुंदर कह रहे हैं, आस्ताम शास्त्र से सिद्धांत है, आस्ताम भले ये शास्त्र का सिद्धांत है, युक्त्या वाक्यात परोक्ष दी ही, युक्ति से और परो और वाक्यात माने की शास्त्र वाक्य से प्रमाण से परोक्ष दी ही, परोक्ष बुद्धि होती है लेकिन किसके लिए होती है, स्वर्ग आदि वाक्यवंत, स्वर्ग आदि वाक्य में होती है। कल हमने देखा कि स्वर्ग आदि में तो ये होता है परोक्ष दी, लेकिन दशमे व्यभिचारत है, लेकिन हम जो दशम माने की ये दसवां का जो दृष्टांत हम आपको दे रहे हैं वो दृष्टांत में ये परोक्ष दी जिसको आप कह रहे हैं, परोक्ष बुद्धि या परोक्ष ज्ञान जो आप कह रहे हैं, उनका व्यभिचार होता है। अब क्योंकि दशमः अस्ति पहले ज्ञान है और फिर दशमः अस्मि ये भी ज्ञान है, और इसीलिए जो शास्त्र से हमें ज्ञान होता है वो हमेशा परोक्ष ही हो ऐसा आवश्यक नहीं है। कल हमने देखा कोई भी नियम जो है वो नियम का अपवाद हमेशा होता है, भले शास्त्र प्रमाण से हमें परोक्ष ज्ञान होता है लेकिन जब आत्म तत्व की बात आती है तो वो परोक्ष ज्ञान नहीं रहता है, वो अपरोक्ष होता है। प्रारंभ में परोक्ष है वो, हम भी मना नहीं कर रहे, लेकिन बाद में वो अपरोक्ष बनता है। आप समझो जिस प्रकार से दशमः अस्ति और फिर दशमः अस्मि, उसी प्रकार से यहाँ पर भी ब्रह्म अस्ति इति ज्ञान होता है और फिर ब्रह्म अस्मि इति ज्ञान होता है, अयम अस्मि इति। और इसलिए कहते हैं कि ये संभव है। तो बोले कि ये जीव जो है, आप जिसको मैं कहते हो, देखो ये बहुत सुंदर है, ये आपका ही अनुभव है। शास्त्र आपको जो कह रहे हैं वो कुछ नया नहीं है, आपका ही अनुभव है, आपकी ही इच्छा है, लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं और इसलिए युक्ति पूर्वक शास्त्र आपको अपनी ओर ले जाते हैं। आप अपने आप को ही देखो, आप जो है वो स्वयं क्या है, अपरोक्ष है। आप समझो आप स्वयं तो अपरोक्ष है ही, स्वतः अपरोक्ष जीवस्य ब्रह्मत्वम ब्रह्मत्वम अभिवांछतः। आप स्वयं भी तो पूर्णता की इच्छा कर रहे हो ना, अभिवांछत है। आप देखो ब्रह्मत्व मानी ब्रह्मपना मानी कि आप भी जो इच्छा कर रहे हो वो अनंत की है, पूर्ण की इच्छा है आपको, अंतमान की इच्छा किसी को नहीं है। आप समझो, और आप स्वयं अपरोक्ष चैतन्य है वो भी तो आपका अनुभव है ना। किसी भी अपरोक्ष मानी क्या है, अपरोक्ष माने कि किसी भी प्रमाण प्रवृत्ति के पहले जिसका ज्ञान होता है वो आप है, प्रमाण प्रवृत्ति करने वाले आप है, तो प्रमाण प्रवृत्ति के पहले आप है। आप समझो वो अपरोक्ष है, और इसलिए कहते हैं कि आप स्वयं अपरोक्ष जीवस्य अपरोक्षत्व। अब देखो ये सिद्ध है, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं अपरोक्ष चैतन्य है और आपकी जो इच्छा है वो मर्यादा की नहीं, अनित्य की नहीं, आपको नित्य की इच्छा है, आपको अनंत की इच्छा है। और इसीलिए कहते हैं ब्रह्मत्वम अभिवांछतः नश्यत सिद्ध अपरोक्षत्वमिति। अब अगर आप कह रहे हो कि शास्त्र से जो ज्ञान होता है ब्रह्म का, शास्त्र से जो आत्म ज्ञान हो रहा है वो परोक्ष ज्ञान है, अगर आप कहेंगे तो आपकी जो अपरोक्षता है वो क्या, नश्यता परोक्षतम, आपकी अपरोक्षता का ही नाश हो जाएगा, आप परोक्ष बन जाएंगे। तो क्या आप स्वयं जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है कभी परोक्ष हो सकता है? आप समझो, देखो इसलिए आगे मैं कह के गई हूं परोक्ष ज्ञान सिर्फ हमारी समझ के लिए है, बाकी कुछ परोक्ष ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं। आप समझो स्वामी जी, इसलिए परोक्ष ज्ञान माने पेपर बैग नॉलेज ऐसा कहते थे, ज्ञान हमेशा अपरोक्ष ही होता है।
लेकिन आप स्वयं अपरोक्ष चैतन्य है और आपकी इच्छा तो ब्रह्मत्व की है, एक अद्वितीय की इच्छा है। द्वैत की इच्छा किसको नहीं है, आप स्वयं अद्वैत की इच्छा ही कर रहे हैं। आप सब तो आपकी जो इच्छा है और आपका जो अनुभव है अपरोक्ष चैतन्य का जो अनुभव है, और अगर आप कह रहे हैं कि शास्त्र से ब्रह्म का परोक्ष ज्ञान हो जाएगा तो फिर आप अपरोक्ष, वो क्या है? आपकी अपरोक्षता का नाश हो जाएगा, नश्यत अपरोक्षत्वम। अब देखो अहो मति युक्ति ही, वाह वाह आपकी क्या युक्ति है, अहो महति युक्ति ही, क्या महान तर्क आप कर रहे हो कि अपरोक्ष को भी आपने परोक्ष बना दिया, ये क्या युक्ति है? उपहास कर रहे हैं यहाँ पर भारती तीर्थ मुनि, क्या महान आप तर्क कर रहे हो कि शास्त्रों से तो परोक्ष ज्ञान होता है, तो क्या आप जो जीव अपरोक्ष जो है अपरोक्ष चैतन्य है वो क्या परोक्ष हो जाएगा? देखो इसलिए मैंने पहले से ही कहा कि शास्त्र शब्द प्रमाण है और शब्द प्रमाण की विशेषता ये है कि जैसा विषय होगा वैसा ही ज्ञान कराएगा। अगर विषय आपके सामने है तो आपको प्रत्यक्ष ज्ञान वो कराएगा, अगर विषय परोक्ष है, स्वर्ग आदि है, कैलाश मानसरोवर है, रामेश्वर है, अमेरिका है, तो वो परोक्ष ज्ञान आपको देगा। लेकिन आप तो अपरोक्ष है ना, आप अपरोक्ष चैतन्य है तो फिर ज्ञान भी तो अपरोक्ष होना चाहिए ना, आप समझो। और इसलिए उपहास कर रहे हैं अहो महती तर्क, आपका तर्क कितना महान है, आप देखो अहो महती युक्ति ही, युक्ति मानी तर्क, आप समझो क्या महान तर्क आप लगा रहे हो कि अपरोक्ष जो जीव है वो आपका अनुभव है वो परोक्ष बन गया, कैसे हो सकता है परोक्ष ज्ञान, कैसे हो सकता है? और इसलिए कहते हैं कि कितने भी तर्क आप लगा के रखो, भले शास्त्र जो है कर्मकांड में जितने भी चर्चा है वो परोक्ष ज्ञान है, हम भी स्वीकार करते हैं, लेकिन वेदांत शास्त्र में जो ज्ञान है वो अपरोक्ष ज्ञान है, क्योंकि आप स्वयं अपरोक्ष चैतन्य है और शब्द प्रमाण से अपरोक्ष चैतन्य का ज्ञान भी अपरोक्ष ही होता है, भले भी प्रारंभ में वो परोक्ष है लेकिन बाद में वो अपरोक्ष होना चाहिए, आप सब, क्योंकि ये आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा ही यही है। और इसीलिए बहुत सुंदर कह रहे हैं आप सब कि आपकी इच्छा तो अनंत की है, तो अनंत की जो इच्छा है वो अनंत की इच्छा जो है, तो आप अगर परोक्ष ज्ञान की बात करेंगे तो वो तो अंतमान हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आपके अंतमान के जो आप जो अल्प है आपकी अल्पता की निवृत्ति नहीं होगी, ब्रह्मत्व की आप इच्छा कर रहे हो आप, शास्त्र परोक्ष ज्ञान नहीं दे रहा है आपको। जब कर्मकांड की बात होती है तब शास्त्र आपको परोक्ष ज्ञान देते हैं, जब ब्रह्म ज्ञान की बात होती है वो अपरोक्ष ज्ञान है, आप समझो। सब जगह पर एक नियम आप नहीं लगा सकते हो, हमेशा नियम का कोई ना कोई अपवाद होता है। वेद से जो ज्ञान होता है हमेशा परोक्ष नहीं होता है, जब वेदांत शास्त्र की हम चर्चा करते हैं, वेदांत सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो वो अपरोक्ष ज्ञान होता है, और दूसरा जीव स्वयं जो अपरोक्ष है वो परोक्ष बन जाएगा। क्या आप कभी भी परोक्ष हो सकते हो, आप समझो, आप अपरोक्ष चैतन्य है, आप न तो प्रत्यक्ष हो सकते हो न परोक्ष हो सकते हो। देखो ये जो चर्चा जो है, जो प्रत्यक्ष नहीं है उसे परोक्ष कहते हैं और जो परोक्ष नहीं है उसे तो अपरोक्ष कहते हैं, आप समझो, और अपरोक्ष है उसको परोक्ष आप नहीं बना सकते। और इसलिए कहते हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं तो आपकी युक्ति, आपका जो तर्क है वो तो बहुत महान है, जो अपरोक्ष को भी परोक्ष बना रहे हैं, आप समझो। और आगे कह रहे हैं बहुत सुंदर, आप समझोगे, वृद्धिमिष्टवतो मूलम् अपि नष्टमिति दृशम् लौकिकं वचनं सार्थम् संपन्नत्वत् प्रसादतः।
बहुत एक लौकिक दृष्टांत देते हैं, बहुत सुंदर है। वृद्धिमिष्टवतः मूलमपि नष्टम् इति दृशम्। अगर आपके पास थोड़ा धन है और वो धन की आपकी इच्छा है वृद्धि हो जाए, और धन की वृद्धि कैसे हो जाएगी, तो आप उनका इंटरेस्ट ले सकते हो। आप कहीं पर भी आप देख किसी को आप धन देते हो, वो आपको कहेगा कि मैं आपको इतना इंटरेस्ट दूंगा, इतना ब्याज दूंगा। आप देखो तो आपने उनको दे दिया, आपने सोचा कि मेरा धन भी, मेरी जो मूल निधि जो है वो भी रहेगी और मुझे इतना ब्याज जो इंटरेस्ट है वो मिलता रहेगा, और अगर मैं नहीं लूंगा तो उसमें जो मेरे मूल जो निधि है उसमें वृद्धि होती रहेगी। और इसकी इच्छा से क्या किया, वृद्धि मिष्टवतः, और आपने किसी को दे दिया। अब वो जो है वो गुम हो गया, क्या हो गया, नष्टम मूलम इति। तो आपकी मूल जो निधि थी, संपत्ति थी, वो भी नष्ट हो गई। अब इति दृशम, इति ईदृशम, उसी प्रकार से, ये जिस प्रकार से है उसी प्रकार से लौकिकम वचनम सार्थम। अब देखो संपन्नम त्वत्प्रसादतः, आपके प्रसाद से, आपकी ये महान युक्ति से तो क्या हो गया, लौकिकम वचनम सार्थम। अब देखो आपके जो ये जो लौकिक वचन जो है, मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि, लौकिक वचन है, आप समझो, तो उसी को ही तो आप सार्थक कर रहे हो, आप प्रत्यक्ष बना रहे हो। शास्त्र से आत्म परोक्ष हो गया और आपकी बुद्धि से शास्त्र प्रत्यक्ष हो गया। मैं देह हूं, देह तो प्रत्यक्ष है, मन प्रत्यक्ष है, इंद्रिय प्रत्यक्ष, आप समझो, तो जो मूल अपरोक्ष चैतन्य था उनके तो नाश हो गए, वो रहा ही नहीं, आप तो प्रत्यक्ष बन गए। क्यों, लौकिकम वचनम सार्थम, लौकिक वचन को आप सत्य पुरवार कर रहे हैं, उसको अर्थवान बना रहे हैं, तो फिर क्या हो गया, आप जो अपरोक्ष थे वो तो क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो वो ब्याज लेने की लोभ में आपने अपना मूल भी गुमा दिया। उसी प्रकार से यहां पर भी जो आप अपरोक्ष चैतन्य है, पहले आपने अपने आप को प्रत्यक्ष बना दिया, मैं देह हूं, मैं इंद्रिय हूं, मैं मन हूं। आप देखो अब शास्त्र आया तो शास्त्र के द्वारा आपने उसको परोक्ष बना दिया, तो जो मूल अपरोक्ष चैतन्य था वो तो नष्ट हो गया। अब समझो, तो अब क्या कर रहे हो, वृद्धि मिष्टवतः मूलमपि नष्टमिति ईदृशम। देखो आजकल ये बहुत चल रहा है, बहुत सारे लोग कहते हैं हमें इतना दो, हम इतना ब्याज देंगे आपको, इतना ये देंगे, इंटरेस्ट देंगे, अब 4 साल में डबल हो जाएगा। लोग भी समझते नहीं, और ये जो कपट करने वाले हैं, इतनी बढ़िया ऑफिस है, एसी ऑफिस बना के बैठ जाते हैं। आप आज ही मेरे मन में ये विचार आया कि अगर आप किसी को ये कर रहे हैं, आपको समझना है कि मूल तो आपको मिलना चाहिए ना, मूल तो मिलना चाहिए ना, तो ये तो मूल भी नष्ट हो गया। क्यों, क्योंकि आप अपरोक्ष चैतन्य है, वो अपरोक्ष चैतन्य भी गया, मूल तो आपके पास रहना चाहिए ना, लेकिन आप जो मूल अपरोक्ष चैतन्य है, ये देहादि में अहम बुद्धि करके बैठे हैं, धन आदि में आप ममता करके बैठे हैं, और अपने आप को ही आप समझो। पूज्य स्वामी जी इसलिए हमेशा कहते थे, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड यू आर द लूजर। आप अपने आप को ही क्या कर रहे हो, यू आर लूजिंग योर सेल्फ। उसके ऊपर हमारी दृष्टि नहीं जाती है, हमारी दृष्टि धन पर, संपत्ति पर, परिवार पर रहती है। वी आर निग्लेक्टिंग अवर ओन सेल्फ। ये तर्क वितर्क के द्वारा भी हम क्या कर रहे हैं, अपने आप का, अपने आप की ही अवगणना कर रहे हैं हम लोग। अब समझो, अगर हम अपनी ही अवगणना कर रहे हैं और फिर मानते हैं मैं तो पंडित हूं,
कैसा पंडित है जो अपनी ही अवगणना कर रहा है, जो अपरोक्ष चैतन्य है और आपकी जो इच्छा है ब्रह्मत्व अभिवांछत। आप देखो मैं हमेशा कहती हूँ वेदांत आपकी इच्छा और आपके अनुभव से पर की कोई बात नहीं कर रहा है, आप समझो आप ही अनंत की इच्छा कर रहे हो। वेदांत नहीं कहता है कि आप अनंत की इच्छा करो, और आप अपरोक्ष चैतन्य हो तो आपका अनुभव है, क्योंकि आप है तो सब अनुभव है। आप देखो सब अनुभव के पहले आप है कि नहीं, आप तो सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है। किसी भी प्रकार का भले ध्यान में वो आपको अनुभव हो रहा हो, किसी भी प्रकार का दिव्य भी अनुभव होता है, लेकिन अनुभव के पहले आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है कि नहीं आप देखो। तो आप जो है अपरोक्ष चैतन्य उसकी तो आप अवगणना कर रहे हो, आप समझो। और इसलिए कहते हैं ये तो आपकी महान युक्ति है, आपका महान तर्क है कि जो अपने आप को ही आप छोड़ देते हो, आपके अपने आप की ही आप अवगणना कर रहे हो, आप समझो। लौकिकम वचनम सार्थम माने कि जो लौकिक बात है, मैं देह हूं, मैं जीव हूं, मैं जन्म मरण वाला हूं, उसी को तो आप सार्थक कर रहे हो, ये जिससे आपको छूटना है, जिसकी आपको इच्छा नहीं है, जिससे आपको छूटना है, उसी को वापस आप पकड़ रहे हो, पुनः उसी दलदल में आप पड़ रहे हो, आप समझो। और इसलिए कहते हैं आप तर्क करो, आप शास्त्र को समझो, लेकिन अपनी बुद्धि से नहीं, शास्त्र क्या कह रहे हैं और आपका अनुभव क्या है। जीवस्य अपरोक्षत्वम, आप देखो ये आपका अनुभव, ब्रह्मत्वम अभिवांछतः, अनंत की आपको इच्छा है, अल्पे सुखम नास्ति, आप समझो। भगवान यही बार बार गीता में भी कहते रहे, उपनिषद में भी यही कहा, अल्पे सुखम नास्ति। आप देखो आप जितने भी भोग कर रहे हो, आप जितना भी धन करते हो, अल्प ही है, आप समझो। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आगमः अपायिनः अनित्य, ये सब अनित्य है और उससे तो आपको छूटना है, आपको अंतमान जो है अनित्य है उससे छूटने की इच्छा है आपकी, आप समझो। आपके जितने भी प्रयत्न है वो किसके लिए है, अनंत के लिए है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, आप जो इच्छा कर रहे हो आप समझो ये ठीक से, आपकी जो इच्छा है वो ईश्वर है, आप समझो। आप देखो मम वर्तमान वर्तमानते वर्तन्ते अनुमा, आप देखो मम वर्तमान अनुवर्तन्ते, मनुष्य पार्थ सर्वशः, सर्व प्रकार से आप जिसकी इच्छा कर रहे हो वो तो ईश्वर है, अनंत है। तो आप ये अंतमान में क्यों पड़े हुए हो, अंतमान को पकड़ के क्यों दुखी हो रहे हो और कह रहे हो कि इसके कारण मैं दुखी हूं। आप देखो आपने अंत को पकड़ा है, आपने अंतमान को पकड़ा है, आपने अनित्य को पकड़ा है, दुख का योनि है, दुख की योनि है ये तो, और फिर आप सोच रहे हो इसके कारण मैं दुखी हूं। इसके कारण आप दुखी नहीं, आपने जो पकड़ा है ना उसके कारण आप दुखी, आप समझो। और इसलिए कहते हैं कि अहो मति, आप देखो अगर आप ऐसा कहते रहेंगे तो आपका जो लौकिक ज्ञान है वो लौकिक ज्ञान ही सार्थक हो जाएगा। आप सही में क्या पिता हो क्या, सही में आप पुत्र है क्या, आप समझो ये ठीक से। आप अनेक प्रकार के वेश अभिनय कर रहे हैं, लेकिन अगर अभिनय को ही आप सत्य मान के चल रहे हो, देह जो है स्वयं देह नहीं कहता मैं नित्य हूं, मन नहीं कह रहा है कि मैं नित्य हूं, आपको मन को नित्य बनाना है। अब ये जगत तो कह रहा है मैं परिवर्तनशील हूं, ये देह कह रहा है मैं परिवर्तनशील हूं, कितना भी योग करो और कितना भी प्राणायाम करो वो
साठ सत्तर तक ठीक है, बाद में ये सब कुछ काम नहीं आता है, आप समझो। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं संप्राप्ते सन्निहिते काल, सन्निहिते काल है मृत्यु नहीं, वृद्धावस्था में भी ये कुछ काम नहीं आएगा आपको। अब मेरे पास इतने उदाहरण है, इतने दृष्टांत है, जो लोग ऐसे ऐसे क्या कहते हैं, दावा करते थे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर क्या हुआ, कुछ नहीं, योगा ही छूट गया, नेचुरोपैथी छूट गई, आप समझो। एक दादाजी थे, मैंने बोला क्यों दादाजी, नहीं नहीं अभी कुछ नहीं हो रहा है, क्यों, वृद्धावस्था आती है ना सब छूट जाता है, आप समझो। ये देह कह रहा है मैं परिवर्तनशील हूं, विकारी हूं मैं, ये जगत भी कह रहा है कि मैं विकारी हूं, लेकिन हम उसी जगत को पकड़ के बैठे, उसी को नित्य बनाने का प्रयत्न कर रहे, आप समझो। जगत स्वयं अनित्य है, परिवर्तनशील है, अब उसमें आप परिवर्तन लाने का प्रयत्न कर रहे हैं, जो परिवर्तनशील है उसमें परिवर्तन की कोई आवश्यकता है ही नहीं। इसे पेष्टस्य पेषणम कहते हैं, पेषणम, जो चूर्ण है ही तो चूर्ण को वापस चूर्ण बनाने की आवश्यकता है नहीं, वो चूर्ण है। उसी प्रकार ये जगत तो परिवर्तनशील है और बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, ये जगत का हम परिवर्तन करके रहेंगे, अरे जगत परिवर्तनशील ही है, आपको क्या परिवर्तन करना है। अब देखो स्वामी जी हमेशा कहते हैं इफ यू वॉन्ट टू चेंज यू चेंज योर सेल्फ, बदलना है तो अपने आप को बदलो, दूसरे को नहीं बदलना, दूसरे को बदल के दूसरे में परिवर्तन ला के सुखी होने का जो प्रयत्न कर रहे वो संसारी है, अपने में जो परिवर्तन लाने का प्रयत्न कर रहा है वो साधक है, वो भक्त है, आप सब। और इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप ये सब कहेंगे तो आपकी अपरोक्षता का क्या होगा, और आप जो ये लौकिक वचन जो है वो सत्य हो जाएंगे, सार्थक हो जाएंगे, आप समझो। ये ठीक नहीं है, क्योंकि आप ये इच्छा कर ही नहीं रहे, जन्म आपको पसंद नहीं है, आप समझना, मृत्यु भी आपको पसंद नहीं है, किसको जन्म और मृत्यु पसंद है, किसी को नहीं है, आप समझो। और इसीलिए कहते हैं ये दो श्लोक के द्वारा हम समझ रहे हैं कि जो अपरोक्ष जीव है उसको हम परोक्ष नहीं बना सकते, और आपकी जो इच्छा अनंत की है फिर वो परिवर्तनशील जगत में देहादि में हम नहीं कर सकते, और इसीलिए ये अपरोक्ष ज्ञान है, आप समझो, परोक्ष नहीं है, जो है वो तो अपरोक्ष ज्ञान ही है। तो बोले कि फिर ये जीव जो है वो जीव क्या है, आप समझो। और इसलिए आगे कहते हैं अंतकरण सन्निभन अंतकरण संभिन्न बोधो जीवो जीवो परोक्षताम, अंतकरण संभिन्न बोधो जीवो परोक्षताम, अर्हत्युपाधि सद्भावात् अर्हत्युपाधि सद्भावात् न तु ब्रह्मानुपाधितः न तु ब्रह्मानुपाधितः। बहुत सुंदर, अंतकरण संभिन्न बोध है, अंतकरण में अब अहम बुद्धि करके बैठे हैं, हम आगे देख के दे कि अंतकरण है, अंतकरण में जो चिदाभास है और जो चैतन्य है ये तीन मिलके क्या हो जाते हैं, जीव है, अब देखो। लेकिन वो जीव जो है वो क्या है, अपरोक्षताम, अब देखो अपरोक्ष है वो, तो उसमें प्रत्यक्षता का वो कोई संभावना है ही नहीं, आप कभी भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकते हो, आप कभी भी परोक्ष हो ही नहीं सकते हो। आप देखो ये बहुत सुंदर है कि आप तो अपरोक्ष ही है, जब जीव कहते हो तो जीव भी तो अपरोक्ष है ना, जीव अपरोक्षताम, अब देखो जीव भी आप जब कहेंगे तब भी वो जीव तो अपरोक्ष ही हो, न तो प्रत्यक्ष है न परोक्ष है वो, अब देखो
भले अंतकरण में अहम बुद्धि करके बैठा है, चिदाभास में अहम बुद्धि करके वो बैठा है, चिदाभास में अहम बुद्धि करके वो जीव बन के बैठ गया। तो जीव जो भी है वो भी तो अपरोक्ष है ना, वो प्रत्यक्ष है क्या? जीव क्या अपरोक्ष है क्या? नहीं। अब लेकिन वो किसके कारण हो गया? अर्हति उपाधि सद्भावात। अब देखो अंतरकरण की उपाधि के कारण क्या हो गया? न तो ब्रह्म अनुपाधित है। लेकिन ब्रह्म कभी भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ब्रह्म तो उपाधि रहित अनुपाधित है। ब्रह्म तो निर्विकारी है, निरुपाधि है। तो जीव जो है वो भी अपरोक्ष है, और ब्रह्म जो है वो कभी भी परोक्ष नहीं हो सकता है, वो कभी भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी उपाधि है ही नहीं। समझ रहे हो? तो जीव की अंतकरण उपाधि के कारण मैं जीव हूं ऐसा आप कह रहे हैं। देहादि जो प्रत्यक्ष है वो प्रत्यक्ष में अहम बुद्धि आपने करके रखी है। उपाधि सद्भाव माने की उपाधि में हम बुद्धि करके आप बैठे हो, तो यही तो मूर्खता है ना। जो प्रत्यक्ष है वो प्रत्यक्ष में अपरोक्ष जीव जो है, अपरोक्ष चैतन्य जो है, उसमें अहम बुद्धि करके बैठे, तो ये मूर्खता तो आपकी है। फिर मैं जीव हूं, मेरा जन्म हुआ, मेरी मृत्यु होगी। देखो इसलिए मैं कहती इस जीवन में जन्म से ही आपकी आपने बारे में अभिप्राय, किसी ने आपको नहीं कहा है कि आप देह हो, आप अल्प हो, ये आपका ही अभिप्राय है आपके बारे में, और वही अभिप्राय आप स्वीकार नहीं कर सकते हो। आप तो आप दूसरे का अस्वीकार नहीं कर रहे हो, आप अपने आप का अस्वीकार कर रहे हो, क्योंकि आपने ही अपने बारे में अभिप्राय बना के रखा है। उपाधि सद्भाव, उपाधि में अहम बुद्धि करके आप बैठ गए, और फिर वो आपको स्वीकार्य नहीं है, और इससे छूटने के लिए आप कर्म कर रहे हो। अब देखो तो दूसरे पर आप अंगुली निर्देशन जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। देखो बार बार भी इसलिए मैं कह रही हूं कि आपका जो दुख है, आपका जो शोक है, अन्य के कारण नहीं है। अर्जुन ने भी यही सोचा था कि भगवान ये युद्ध होगा, हमारे स्वजन सब मर जाएंगे, फिर हम सुखी कैसे हो सकते हैं भगवान? स्वजनम ही हतम कत सुखी न कथम से, भगवान ये स्वजन की हत्या करके हम सुखी कैसे हो जाएंगे? तो उनकी भी दृष्टि अन्य पर थी। स्वजनम ही कथम हत्व सुखी न हस्याम माधव कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन। अरे भगवान ये भीष्म पितामह है, ये द्रोणाचार्य है, उनके ऊपर मैं तीर कैसे लगाऊं? तो दृष्टि अन्य पर है। आपका दुख का कारण ये है कि आपकी दृष्टि अन्य पर है, और आपके अपने ऊपर जो दृष्टि है तो आपके अपने बारे में अल्पता ही रख करके रखी है। उपाधि सद्भाव, आप समझो उपाधि में अहम बुद्धि करके आप बैठ गए, तो उपाधि जो है वो तो प्रत्यक्ष है, और अगर आप कह रहे देह है तो आप जो अपरोक्ष जीव है वो प्रत्यक्ष हो गया क्या? आप देखो समझ रहे हो ये कितनी बड़ी गड़बड़ करके हम बैठे हैं। ये प्रत्यक्ष जो है वो प्रत्यक्ष में ही हम बुद्धि करके बैठ गए, तो जो अपरोक्ष जीव था वो परोक्ष प्रत्यक्ष हो गया। तो अपरोक्ष कभी भी प्रत्यक्ष हो सकता है क्या? समझ रहे हो? अपरोक्ष जो परोक्ष नहीं हो सकता है, उसी प्रकार से जो ये प्रत्यक्ष उपाधि में आप सद्भाव करके बैठे, अहम बुद्धि करके बैठे, वो कैसे संभव है? उपाधि में आप अहम बुद्धि जो प्रत्यक्ष है, तो अपरोक्ष जीव जो है वो प्रत्यक्ष बन गया, वो कैसे संभव है? लेकिन सब हो गए। आप देखो इसलिए आगे कह के गए अहो महती युक्ति ही, ये तो आपका महान तर्क है।
कि अन्य पर अपने अंगुली निर्देशन करते हो, अन्य के कारण मैं दुखी हूं कह रहे हो, और ये देह जो है उसमें अहम बुद्धि करके बैठे। और इसलिए कहते हैं, और ब्रह्म जो है न ब्रह्म अनुपादितः अर्हति। आप देखो तो अपरोक्ष जीव जो है उपाधि में अहम बुद्धि करके प्रत्यक्ष बन सकता है, लेकिन ब्रह्म कभी भी न अर्हति अनुपाधित। ब्रह्म तो अनुपाधि माने कि उपाधि रहित ब्रह्म है, और उपाधि रहित जो ब्रह्म है वो कभी भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है, वो कभी भी परोक्ष नहीं हो सकता है। आप समझो ठीक से, आपने अपनी मूर्खता के कारण, अपने अध्यास के अन्योन्य अध्यास के कारण अपने को प्रत्यक्ष बना के रख दिया है। शास्त्र जो कर्म कांडी जो है वो क्या कर रहे हैं, जो अपरोक्ष जीव है उसको परोक्ष बना दिया, और जो लौकिक लोग हैं उन लोगों ने अपरोक्ष जीव जो है उसे प्रत्यक्ष बना के रख दिया। तब मूर्खता किसकी है? अब देखो अपनी ही मूर्खता से। महाराज श्री हमेशा कहते थे जब भी दुख होता है वो दुख हमारी मूर्खता के कारण होता है, अन्य के कारण नहीं। इसीलिए भगवान का जो वाक्य है उसे प्रतिज्ञा वाक्य कहते हैं, पंडिता न अनुशोचन्ति। पंडित जो है जिसने अपने ब्रह्मत्व का ज्ञान प्राप्त कर लिया है वो कभी शोक नहीं करता है। लेकिन अगर आप शोक कर रहे मानिए आप पंडित नहीं है। इसलिए शंकराचार्य जी वो कहते हैं, अतः मूर्ख त्वम अर्जुन। हे अर्जुन तू मूर्ख है, तेरी मूर्खता के कारण तू दुखी हो रहा है। अन्य के कारण तू युद्ध के कारण या स्वजन की हत्या के कारण या भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के ऊपर तीर चलाने के कारण तो दुखी नहीं है। आपके दुख का कारण जो है जो आपने अपने आप को प्रत्यक्ष बना के रख दिया है, और शास्त्र वाले जो है वो ब्रह्म जो जीव को परोक्ष बना के रख दिया। आपकी बुद्धि कहाँ काम कर रही है? और इसलिए कहते हैं कि ये लौकिक उपाधि जो है वो उपाधि में अहम बुद्धि करके जो जीव जो अपरोक्ष है उसको प्रत्यक्ष बना दिया, लेकिन ब्रह्म कभी भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रह्म तो उपाधि रहित है। अब तो और आगे कहते हैं, नैव ब्रह्मत्व बोधस्य नैवं ब्रह्मत्व बोधस्य सोपाधि विषयत्वतः सोपाधि विषयत्वतः यावद् विदेह कैवल्यं यावद् विदेह कैवल्यं उपाधेर निवारणात् उपाधेर निवारणात्। बहुत सुंदर बात। अब वो पूर्व पक्षी जो है ना जो विरोधी है वो पहले कह रहा है शास्त्र परोक्ष है ज्ञान देता है, और वो उपाधि में अहम बुद्धि करके बैठा माने कि जो अपरोक्ष जीव उसको प्रत्यक्ष बना के बैठ गया है। अब वो क्या कह रहा है, न एवं ब्रह्मत्व बोधस्य सो उपाधि विषयत्वतः। तो एक बात हमें पक्की करनी, देखो ये पूर्व पक्षी है, आप समझना सिद्धांत नहीं है। तो एक बात आप पक्की कर लो, क्यों? क्योंकि आपने ही कहा अगले श्लोक में उपाधि सद्भावात्, उपाधि के कारण वो जो जीव अपरोक्ष है वो प्रत्यक्ष बन गए, और ब्रह्म जो है वो उपाधि रहित है। तो इनका अर्थ ये हो गया, जब तक आप उपाधि रहित नहीं होंगे तब तक ये अपरोक्ष ज्ञान आपको नहीं होगा। देखो ये उनका तर्क है, आप समझना, ये हमारा वेदांत का तर्क नहीं है, ठीक से समझो। ये अगर आप ये कह रहे हो कि उपाधि के कारण जीव प्रत्यक्ष हो गया, तो जब तक ये उपाधि देहादि उपाधि है तब तक तो आपको अपरोक्ष ब्रह्म का ज्ञान होगा ही नहीं। क्यों? न एवं ब्रह्मत्व बोधस्य, ये ब्रह्मपन अनंत का बोध जो है वो आपको उपाधि विषयत्वतः, क्योंकि उपाधि है आपका, ये उपाधि जब तक बननी रहेगी तब तक तो ये ब्रह्म का ब्रह्मत्व का अनंत का बोध आपको होगा ही नहीं। अब देखो तो अनंत का बोध कब होगा,
यावत विदेह कैवल्यम, जब तक विदेह कैवल्य नहीं प्राप्त होगी, विदेह मुक्ति माने की प्रारब्ध कर्म से ये प्रारब्ध कर्म जब समाप्त हो जाएंगे और ये देह छूट जाएगा, तब जो विदेह कैवल्य जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक ये अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान भी नहीं होगा। उपाधेह अनिवारणा, क्योंकि उपाधि की निवृत्ति तो आप कर नहीं सकते हो, उपाधि तो रहेगी जब तक ये प्रारब्ध है, तो प्रारब्ध है तब तक तो ये उपाधि रहेगी, और जब तक प्रारब्ध है और उपाधि रहेगी तो फिर अपरोक्ष ज्ञान भी नहीं होगा और ब्रह्मत्व का बोध भी नहीं होगा। मैं अनंत हूं ऐसा बोध नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आप ही तो कह रहे हो ना उपाधि सद्भावात। देखो यहां ही बहुत सारे वेदांती लोग भी गलती करते हैं, आप ठीक से समझिए। उपाधि है हम मना नहीं कर रहे, लेकिन हमने क्या कहा, उपाधि के कारण प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, उपाधि में अहम बुद्धि आप करके बैठे हैं जो आपके अल्पत्व का कारण है। आपके प्रत्यक्षत्व का जो कारण है वो क्या है, उपाधि में अहम बुद्धि करके आप बैठे हैं। और अगर आप कह रहे हो कि उपाधि के कारण जीव प्रत्यक्ष हो गया, तो जब तक उपाधि की निवृत्ति नहीं होगी तब तक आपको ये मुक्ति की भी अपरोक्ष ज्ञान भी नहीं होगा, और अपरोक्ष ज्ञान नहीं होगा तो मोक्ष भी प्राप्त नहीं होगा। अब देखो ये पूर्व पक्ष कह रहा है, अब तो यहां भी वो गलती कर रहा है, क्यों? क्योंकि उपाधि देखो देखो इसलिए आगे मैं कह के दी, देह नहीं कह रहा है कि मैं नित्य हूं, देह नहीं कह रहा है कि मैं तू हूं। अब ये वन वे ट्रैफिक है, अब समझो, आप कह रहे हो कि मैं देह हूं, देह नहीं कह रहा है कि मैं आत्मा हूं, मैं चैतन्य हूं, देह नहीं कह रहा है। देह तो अपने को परिवर्तनशील ही प्रकट कर रहा है, देह तो अपने को अनित्य विकारी ही प्रकट कर रहा है, अब समझो। मन भी अपने आप को विकारी परिवर्तनशील ही प्रकट कर रहा है, मन कभी नहीं कह रहा है कि मैं आत्मा हूं। आप जो आत्मा जो अपरोक्ष चैतन्य वो कह रहा है कि मैं मन हूं। अब देखो इसलिए मैं एक बहुत सीधा साधा दृष्टांत देती हूं, आप सुन। अगर आप कहीं जा रहे हो और 10 रुपये का सिक्का जो है कॉइन, वो आपके पॉकेट से गिर गया, वो गिर के नीचे पड़ा, तो क्या वो आपको बुलाएगा, ए मैं गिर गया? नहीं, मैं तेरा हूं मैं गिर गया, नहीं। और अगर और कोई उसे उठाएगा तो उसको कहेगा नहीं नहीं मैं तेरा नहीं हूं मैं तो उसका हूं, कहेगा नहीं। आप कह रहे हो कि ये मेरा है, ये वन वे ट्रैफिक है। धन कभी भी नहीं कह रहा है कि मैं तेरा हूं, आप कह रहे हो कि धन मेरा है। देह कभी नहीं कह रहा है कि मैं चैतन्य हूं, आप कह रहे हो कि मैं चैतन्य देह हूं। तो समस्या जो है वो आपके अभिप्राय आपके निश्चय में है, आपका निश्चय जो है वो अयोग्य निश्चय है, आपका अभिप्राय जो है वो अयोग्य है। उसमें उपाधि होना उपाधि न होना उससे कोई संबंध नहीं है, आप सुन। फिर भी वो कह रहा है, अगर आप कह रहे हो कि उपाधि सद्भावाद, उपाधि के कारण ये जीव प्रत्यक्ष हो गया है, तो फिर जब तक उपाधि है तब तक ये ब्रह्मत्व का ज्ञान नहीं होगा, ब्रह्मत्व का बोध होगा ही नहीं। जब तक प्रारब्ध कर्म समाप्त नहीं होगा, ये देह नहीं छूटेगा, तब तक आपको अपरोक्ष ज्ञान अनंत का ज्ञान नहीं हो सकता है। ये उनके अभिप्राय, लेकिन उनका उत्तर हम देते हैं, आप समझो कि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा आप कहेंगे तो फिर जीवन मुक्ति भी संभव नहीं है, विदेह मुक्ति ही संभव है। फिर तो अगर जो वो कह रहा है उसको अगर हम सही मानते हैं तो फिर कभी भी जीवन मुक्ति ही संभव नहीं है। लेकिन जीवन मुक्ति है, आप समझो, ये जीवन मुक्ति की ही तो बात कर रहा है ये मंत्र जो है, आत्मानम चेत विजानीयात अयम अस्मीति पुरुषः। अब देखो
जिसने अपने को अयम ब्रह्म मैं ये ब्रह्म अपरोक्ष ब्रह्म मैं हूं, जिसने ये जान लिया है, अगर जिसने जान लिया कश्य कामाय शरीरम समनुज्वरे, अब देखो वो किसके लिए अपने शरीर को अपने देह को अपने मन को संतप्त करेगा। तो ये जीवन मुक्ति है, ये मंत्र जो है वो जीवन मुक्ति की बात करता है, ये मंत्र जो है वो विदेह मुक्ति की बात नहीं कर रहा है। अगर आप जो कह रहे हो अगर वो सत्य हो जाएगा तो फिर जीवन मुक्ति ही संभव नहीं है, आप समझो। और इसलिए आगे के श्लोक में उनको उत्तर हम देते हैं, आप समझो। बहुत सुंदर। अंतकरण साहित्य राहित्याभ्याम विशिष्यते, अंतकरण साहित्य राहित्याभ्याम विशिष्यते, उपाधिर्जीव भावस्य उपाधिर्जीव भावस्य ब्रह्मतायाश्च नान्यथा ब्रह्मतायाश्च नान्यथा। बहुत सुंदर कहते अंतकरण साहित्य, अंतकरण साहित्य मानी अंतकरण सहित, राहित्य अंतकरण रहित, विशिष्यते विशेषता क्या है। जीव जिसको कहते हैं वो उपाधि है, उपाधि सहित है, उपाधि सहित जो है वो जीव है। जिसने उपाधि में अहम बुद्धि करके बैठा है वो जीव है, और जो उपाधि रहित है वो ब्रह्म है। अब देखो तो जो विशेषता है वो किसके कारण है, उपाधि सहित वो जीव है, उपाधि रहित ब्रह्म है, समझ रहे हो। ही इज कॉर्नरिंग द पर्सन। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला जब तर्क करता है तो हमें अपना तर्क नहीं रखना है, उसके ही तर्क को आगे ले जाना है। अब देखो वो क्या कह रहा है, उपाधि के कारण है, तो उपाधि के कारण जीव है, उपाधि रहित है वो ब्रह्म है, विशिष्यते ये विशेषता है। तो अगर ये विशेषता आप कह रहे हो उपाधि ही जीव भावस्य, जीव भाव जो है जीव पना जो है वो किसके कारण है, उपाधि के कारण है। अब देखो ब्रह्मतायाश्च नान्यथा, तो उपाधि के कारण जीव है वो तो सापेक्ष हो गया ना। देखो उसके तर्क में ही हमें हमारा समाधान मिल जाता है, हमें अपना समाधान करने की आवश्यकता नहीं है, हमें तो उनका ही शब्द पकड़ना है। अगर आप कह रहे हो कि उपाधि के कारण वो जीव है जो अपरोक्ष चैतन्य जो है, वो अपरोक्ष चैतन्य जो है वो जीव क्यों बना उपाधि के कारण, तो उपाधि के कारण अगर वो जीव बन गया तो सही में तो आप भी स्वीकार कर रहे हो ना कि सही में वो जीव नहीं है, समझ रहे हो। हम उसी के तर्क से उसके पकड़ रहे हैं, हम तो उपाधि के कारण कह रहे हो तो सापेक्ष हो गया, और वो सापेक्ष है मानी कि सही में आप भी स्वीकार कर रहे हो कि जीव तो अपरोक्ष चैतन्य है, क्योंकि उपाधि के कारण जीव भाव है, उपाधि ही जीव भावस्य न अन्यथा, अन्य का कारण नहीं है। जीव भाव जो किसके कारण है, उपाधि के कारण है। अब आप पिता है किसके कारण, पुत्र के कारण, तो सही में आप पिता नहीं है, क्योंकि जब तक पुत्र है तब आप पिता है, जब पुत्र नहीं था तो आप पिता नहीं थे, समझ रहे। तो इसका अर्थ हो गया कि सही में आप पिता नहीं है, आप तो एक व्यक्ति है। आपके सामने जब पुत्र है तब आप पिता है, आपके सामने पत्नी है तो आप पति है, आपके सामने पिता है तो आप पुत्र है। इसका अर्थ हो गया कि आप न तो पति है न पुत्र है न पिता है, समझ गए। तो इसलिए कह रहे हैं कि जीव भाव जो है वो जीव भाव जो है वो किसके कारण है, उपाधि के कारण है। तो जो उपाधि के कारण माने कि किसी अन्य के सद्भाव से आप जीव बन गए हैं, तो
तो फिर आप सही में उपाधि के नहीं है, तो सही में आप उपाधि है ही नहीं, आप तो अपरोक्ष जीव ही है, आप प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि ये तो सापेक्षिक हो गया, रिलेटिव हो गया, तो सही में आप क्या, तो फिर आप जीव नहीं है, उपाधि के कारण आपकी अल्पता है, तो फिर आप भी क्या है, ब्रह्म ही है आप अनंत है, क्योंकि उपाधि के कारण आपकी अल्पता है और उपाधि के कारण अल्पता है तो वो तो सापेक्षिक हो गया, तो सही में आपका स्वरूप क्या है, ब्रह्मत्व हो गया, तो सही में आप तो ब्रह्म ही है, समझ गए, आप ब्रह्म ही है, आप अपरोक्ष चैतन्य ब्रह्म है ही, और उपाधि के कारण जीव दिख रहे हैं, तो सही में तो आप अपरोक्ष चैतन्य ब्रह्म है, क्योंकि आप ही तो कह रहे हो ना कि उपाधि सहित है, और जब उपाधि छूट जाएगी तो उपाधि रहित जब वो बन जाएगा तब उसको ब्रह्मता की प्राप्त होगी, आप ही तो कह रहे हो ना, तो उपाधि रहित बनने की आवश्यकता नहीं है, अभी भी आप क्या है, देखो इसको क्या कहते हैं, व्यभिचार कहते हैं, व्यभिचार माने क्या है, किसी भी नियम में अगर वो नियम टूटता है तो उसको व्यभिचार कहते हैं, तो आपने ही कह दिया ना कि जब तक उपाधि है तब तक जीव भाव है, माने कि जीव भाव सही नहीं है, सत्य नहीं है, वो आपका स्वरूप नहीं है, जब तक उपाधि है तब तक ही है वो तो जीव, तो माने कि जीव का जो स्वरूप है वो उपाधि नहीं है, माने कि जीव अपरोक्ष चैतन्य है और ब्रह्मत्व है उसका, क्योंकि उपाधि के कारण अल्पता है, आप सुन, और इसलिए कहते हैं न अन्यथा न अन्यथा, माने कि अगर उपाधि रहित है तो वो जीव है ही नहीं, फिर वो क्या हो जाएगा, ब्रह्मत्व की उसको प्राप्ति अवश्य हो जाएगी, आप समझो, ब्रह्मतायाश्चर, अब तो जीव भी उपाधि रहित है, ब्रह्म आपने तो स्वीकार कर ही लिया कि ब्रह्म उपाधि रहित है, लेकिन आपके तर्क को ही हम आगे बढ़ाते हैं तो जीव भी तो उपाधि रहित ही हो गया ना, और जीव उपाधि रहित है वो जीव ब्रह्म हो गया, तो फिर जीव ब्रह्म है ही, लेकिन उपाधि में जो अहम बुद्धि की रखी है वो उपाधि में जो अहम बुद्धि उसको निवृत्ति करनी है, उपाधि की निवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है, जिस प्रकार से अभिनेता जब भिखारी बन के अभिनय कर रहा है तो उसको कभी भी ऐसा नहीं होता है कि मैं भिखारी हूं, माने कि भिखारी पना का भाव उसमें नहीं आता है, भले ना वो भिखारी बन के सब प्रकार का अभिनय कर रहा है, वो रो भी रहा है, क्रोध भी कर रहा है, हताशा भी है, निराशा भी है, हम देखो उनके मुख पर सब प्रकार के भाव है, दरिद्रता का भाव, दारिद्र का जो भाव है वो भी है, उनके वस्त्र, उनके भाव, उनके बाल सब क्या है, उनके जो केश है वो भी बिल्कुल गंदे हैं, कितने दिनों से स्नान नहीं किया है, लेकिन अंदर से वो जानता है मैं भिखारी नहीं हूं, उसी प्रकार से आपको भी क्या करना है, मैं उपाधि नहीं हूं, आप समझ गए, इसलिए मैं बार बार क्या कहती हूं, बस इतना ही कहते रहो अपने आप को, मैं देह नहीं हूं, आप सुन बैठो और देखो, आप देह नहीं हो, सही में आप देह नहीं हो, आपने वो उपाधि का अपने आप पर अध्यास करके रखा, अध्यारोप करके रखा है, इसलिए आप दुखी हो रहे हो, एक बार देख लो मैं जीव नहीं हूं, माने कि क्या है, मैं उपाधि नहीं हूं, क्योंकि आप ही तो कह रहे हो ना कि जब विदेह कैवल्य हो जाएगा उपाधि रहित हो जाएगा, माने कि एक अवस्था ऐसी है कि जब वो उपाधि रहित हो सकता है, तो अभी भी तो वो उपाधि रहित ही होगा ना, एक बार अगर वो उपाधि रहित हो सकता है तो अभी भी वो उपाधि रहित ही है, सो उपाधि हमें दिखता है लेकिन सही में सो उपाधि वो नहीं है, आप समझे, और इसलिए कहता है, इसलिए कहते हैं जीव भावस्य ब्रह्मतायाः, तो जीव जो है वो तो ब्रह्म है ही, आप समझो, जीव भाव जिसको कहते हैं ब्रह्मतायाश्च, ब्रह्मपना भी जो आप कह रहे हो वो जो है उनके उनके लिए जो विशेषता है वो तो उपाधि है ना, लेकिन उपाधि है ही नहीं, तो उपाधि सहित उपाधि रहित आप जो ये भाव कर रहे हैं, उपाधि सहित माने जीव है, उपाधि रहित माने ब्रह्म है,
कह रहे हो ना कि वैद्य विदेह कैवल्यम, तो माने कि एक ऐसी अवस्था आएगी जब आप उपाधि रहित हो जाएंगे। तो जब एक बार आप उपाधि रहित हो सकते हो तो अभी भी आप उपाधि रहित ही हो। अगर उपाधि रहित नहीं हो सकते तो फिर जीव की निवृत्ति होगी नहीं, जीव भाव की निवृत्ति होती है, आपने ही कहा। तो अगर जीव भाव की निवृत्ति हो जाएगी क्योंकि उपाधि नहीं रहेगी, तो अभी भी आप उपाधि रहित ही हो। आप समझे, सब तर्क समझ रहे हो ना आप। और इसलिए कहते हैं कि आपने जो विशेषता दर्शाई है वो उपाधि रहित उपाधि सहित है, और आप कह रहे हो कि जब प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाएगा तो विदेह कैवल्यम की प्राप्ति हो जाएगी, तो अभी भी तो आप उपाधि रहित ही हो ना। आदो अंत च अन्नास्ति वर्तमान तथा, ये देह की आपको प्राप्ति नहीं हुई थी, आपका जन्म है तब तो आप उपाधि रहित थे, अब ये देह छूट जाएगा आपने ही कहा तो आप उपाधि रहित हो जाएंगे, तो बीच में आप उपाधि वाले कैसे बन गए। ये घड़ा पहले मिट्टी था, टूट जाएगा मिट्टी बन जाएगा, तो अभी भी वो घड़ा कहां से है, वो तो मिट्टी ही है। उसी प्रकार से पहले आप उपाधि रहित ब्रह्म थे और अब उपाधि सहित जीव बन गए और फिर उपाधि रहित ब्रह्म बनेंगे, तो अभी भी आप क्या है, उपाधि रहित ब्रह्म ही है। आप समझ, और इसलिए कहते हैं कि जो ब्रह्मता की आप बात कर रहे हो वो तो है नान्यथा। आप समझो, उपाधि के कारण आपने आप पर ये करके रखा है, और इसीलिए उपाधि रहित पूर्ण चैतन्य अपरोक्ष चैतन्य अभी भी आप है, लेकिन आपने जो अहम बुद्धि करके रखी है वो अहम बुद्धि की निवृत्ति करनी है। अपने आप पर जो अध्यारोप करके आपने रखा है वो अध्यारोप की निवृत्ति आपको करनी है, फिर आप अपरोक्ष चैतन्य है। तो आपकी बुद्धि से जो अध्यारोप करके रखा है उसकी आप निवृत्ति कर दो, फिर आप जहां पर भी हो आप अपरोक्ष चैतन्य स्वरूप ब्रह्म है। समझ तो आगे हम कल देखें। अब कल हमारा वर्ग नहीं रहेगा, कल हमारा वर्ग नहीं रहेगा, मुझे एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में जाना है, वहां से आके मुझे बहुत देर हो जाएगी, और इसलिए कल हमारा वर्ग नहीं रहेगा, परसों अवश्य वर्ग हमारा रहेगा। अगर आपको आदत है सुनने की तो यही प्रवचन कल आप सुन लेना, क्योंकि ये प्रवचन आज का थोड़ा ऐसा कठिन ही है, तो आदत आपको बन गई है सुनने की, तो आज का प्रवचन कल सुन लेना। हरिओम। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्य शालिनी देशो यंक्षोभरहितः ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।